हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में एक और शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज विल जीरोट रिएक्शन। ठीक है, विल जीरोट रिएक्शन एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछी जाती है, ज़्यादा मार्क्स में नहीं पूछी जाती, बट लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग इट। ठीक है, विल जीरोट रिएक्शन में क्या होता है? एन ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्टिंग एन एराइल अल्काइल कीटोन अल्काइन और अल्कीन। या तो एराइल अल्काइल कीटोन हो सकता है, या एराइल अल्काइल हमारा अल्काइन हो सकता है, या फिर एराइल अल्काइल एल्कीन हो सकता है टू कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइड। तो इससे हम क्या बना सकते हैं? अमाइड बना सकते हैं बाय रिएक्शन विद अमोनियम पॉलीसल्फाइड। तो अमोनियम आयन के साथ पॉलीसल्फाइड, मतलब सल्फर के कितने भी आइटम्स जुड़ सकते हैं, अमोनियम पॉलीसल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन करें तो विल जीरोट रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड विल जीरोट रिएक्शन। विल जीरोट रिएक्शन का मेन फीचर ही हमारे पास यही है, अमाइड बनाना है, और दूसरी बात किससे बनाना है? फ्रॉम एराइल अल्काइल कीटोन। ठीक है, और साथ में हमने क्या लिखना है? अमोनियम पॉलीसल्फाइड बनेगा ज़रूर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनियम पॉलीसल्फाइड बनाने के लिए हम सल्फर ले सकते हैं, ठीक है, और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो एसिटोफिनोन जो है दैट विल कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एसिटामाइड, मतलब हमारा एसिटामाइड बन गया। ये इसकी ऑलमोस्ट 86% या कह सकते हैं 80% के करीब यील्ड होती है। ठीक है, इसको अप्रॉक्स लिख दिया, और ये 20% के करीब या 16% के करीब एक्चुअली इसकी यील्ड होती है। ठीक है, फिनाइल एसिटिक एसिड की, मतलब हमारा साथ में थोड़ा सा एसिटिक एसिड भी बन जाता है। ठीक है ना, तो फिनाइल एसिटामाइड के साथ एसिड बन जाता है। दिस रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर कॉनराड विलजीरॉट के नेम के पीछे इसका नाम बना गया, बिकॉज इसने इस रिएक्शन को फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, कॉनराड विलजीरॉट। ओके, एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ साइड रिएक्शन। तो साइड रिएक्शन हमारे पास हुई, एक पैरल रिएक्शन हमारे पास हुई, जिसकी वजह से हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या बन गया? हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो विलजीरॉट रिएक्शन को अच्छे से कर लेना, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, 1 मिनट की वीडियो है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये कई बार क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।